Hello and welcome back. Good morning, students. कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। लास्ट जो हमने कर लिया था, आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत अच्छी बात। आइएगा। जी, अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स में हम चल रहे थे जी पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। आइए, क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी 47, ये हमने डिस्कस करना है आज। चलते हैं 47 पर। क्या बोलता है 47 क्वेश्चन नंबर? पढ़िए क्वेश्चन को, कहता क्या है क्वेश्चन हमें? कहता सर, उदित और उदय आर टू पार्टनर, उदित एंड उदय आर द पार्टनर इन अकाउंट शेयरिंग इन रेशियो 2:3 देयर कैपिटल एज ऑन 1st of April 2015। बैलेंस तुम्हारी कंपनी कितना सर? 70,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग ऑफ उदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 15 एंड 16 वर रुपीज 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। ये ड्रॉइंग है, देन बोथ अमाउंट आर विथड्रॉ फ्रॉम 1st of 2016। दोनों के अमाउंट को किए गए सर 1st of 2016 में ये अमाउंट हमें क्या किए थे, हमने विथड्रॉ किए हैं। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, क्या पता लगा? द फ्लोटिंग आइटम हैव बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 1st of March 2016। अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं और हमें पता लगा कि सर ये सब कुछ तो करना रह ही गया, क्या ओमिटेड हो गया? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया 6% से, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगाया 6% से, सर उनको तो कमीशन भी देना था 4,000 का, वो भी नहीं दिया हमने, करना गया? शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास द एफटीपी एंट्री द बुक्स ऑफ द फर्म। इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री पास कीजिए, करें एंट्री। आइए सर, करते हैं। क्वेश्चन आ गया समझ? जी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 6% पर आन। 70,000 की कैपिटल है, 70,000 का 6% सर 4,200। ओके, 60,000 की कैपिटल है, 60,000 का 6% करेंगे तो आएगा हमारे पास सर 3,600। देखिएगा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,200 एंड 3,600, ठीक है जी सर? बिल्कुल, हमने पे करने का क्या किया जी? क्रेडिट किया सर। इसके अलावा हमें कमीशन देना था मुदित को 4,000 रुपीज का, कमीशन पे करना है, क्रेडिट 4,000 रुपीज का। अब चेक करेंगे कि सर ये सब कुछ हमने कर लिया, तो मुदित को हमें टोटल कितना पे करना है? सर हमने पे करना है 8,200 रुपीज। उदय को कितना पे करना है? सर हमने पे करना है 3,600 रुपीज, ठीक है जी सर? बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पार्टनर से चार्ज करनी है, हमने पार्टनर से लेना है अमाउंट, लेना है जिसमें से माइनस कर दो, जो अमाउंट हमने देना है पार्टनर्स को पे करना है उसमें से वो अमाउंट जो पार्टनर समय रसीद होना चाहिए वो क्या करते हैं सर? सर वो अमाउंट कर देते हैं जी माइनस। आइएगा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1st of January को ड्रॉइंग हुई थी, तो जैन फेब एंड मार्च 3 months का इंटरेस्ट लगेगा। सिक्सटीन थाउजेंड 12,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो कैलकुलेट कर लेंगे 16,000 की ड्रॉइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फॉर द 3 months, इट्स 240। कितना आ गया जी सर? 240। इसी तरह से इसका कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा सर? 180। तो अब क्या करेंगे,
सर हम ये करेंगे कि जो हमने अमाउंट को पे करना था उसमें से इंटरेस्ट ऑन ग्रोइंग का अमाउंट क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, तो हमें नेट कितना पे करना है इसे, ये अमाउंट हमें पे करना है। बोलिए जी, यहां तक कोई डाउट है क्या? सर हमें इनको टोटल अमाउंट जो पे करना है वो हमारे पास आ गया सर, कितना सर? 7960 रुपीज एंड 3420 रुपीज। ओके, नो डाउट सर। ओके, अब अगर ये मैं अमाउंट मैंने पे करना है तो फॉर्म भी एक्सपेंस हो गया सर, बिल्कुल एक्सपेंस हो गया। तो ये एक्सपेंस कौन बेयर करेगा सर? पार्टनर्स बेयर करेंगे। ये पे करना है तो ये हो गया सर क्रेडिट, हमने इनको पे करना तो क्या हो गया जी, ये क्रेडिट हो गया सर। अब ये जो टोटल एक्सपेंस हो गया फॉर्म में, ये पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे अपने रेशियो में, दैट इज 2:3, और पार्टनर्स डिवाइड करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमने देख लिया कि सर नेट पेबल अमाउंट कितना आ गया। सर नेट पेबल अमाउंट हमारे पास ये आ गया है, दिस इज नेट पेबल अमाउंट। इसमें करते हैं सर क्या, क्रेडिट। अगर ये नेट पेबल हो गया तो ये नेट हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने रेशियो में, दैट इज 2:3, और उसे हम क्या करेंगे सर, उसे हम करेंगे डेबिट। तो ये अमाउंट के रेशियो में आ गया। अब क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकाला, ये क्रेडिट का और ये डेबिट का, रेंट इस क्या बन जाएगी, इसकी हमारी एंट्री बन जाएगी सर, ये पार्टनर तो क्रेडिट हो जाएगा और ये वाला पार्टनर डेबिट हो जाएगा। ये पार्टनर कौन है सर, उदय, और ये पार्टनर कौन है सर, मुदित। ठीक है, तो एंट्री हो गई आपके पास क्या, मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उदय कैपिटल अकाउंट 3408 रुपीस। बोलिए जी, कुछ पूछना है क्या? चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48। सर बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन आ गया, चलो जी कोई बात नहीं, बड़ा आ गया क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, हम कर लेंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 48 हम डिस्कस करते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 वाज रुपीज 30,000 व्हिच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, three partners A, B and C in their aggregated proportion 3:1:1। हमने 30,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में उनके रेशियो में 3:1:1 में क्या कर दिया जी, डिवाइड कर दिया है। बाद में 10th of April को ये पता लगा, क्या पता लगा कि हमने कुछ ट्रांजेक्शन पास नहीं की थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर द ईयर 31st March 2021, तो हमने क्या करा कि ये एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने अकाउंट क्लोज करने से पहले नहीं की थी। कौन कौन सी हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, इंटरेस्ट ऑन ग्रोइंग नहीं लगाया, सैलरी नहीं पे की, कमीशन नहीं पे किया, और कैपिटल आपको दे रखी है जी 25,000, 20,000 and 15,000। You are entitled as the general entity to be prepared to be passed on 10th of April 2021, which will not be affected by profit and loss appropriation account of the firm for the year ending 31st March 2021. At the same time, it will be rectified the position of the partner. Simple. क्या कहता है, आपने जी rectify entry pass करनी है जिससे आपके appropriation account पे कोई effect नहीं आए, उसकी partner की position भी क्या हो जाए जी, rectify हो जाए नई position के साथ। तो सिंपल है, जैसे हमने अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, जो जो पे नहीं किया था कर दो। आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 10% कितना आएगा जी, 25,000 10% 2,500, 20,000 10% सर 2,000, 15,000 10% सर 1,500। आइएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा क्या सर, क्रेडिट हो जाएगा पे करना, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया जी क्रेडिट। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सर सैलरी पे करनी थी हमें,
5000 ए की थी और 7500 सर रुपए बी की थी, तो सेल भी पे करनी है सर, क्रेडिट हो जाएगी ए की एंड बी की सेल। ओके सर बिल्कुल, और ए को स्पेशल कमीशन के लिए ट्रांजैक्शन था सर 3000 रुपए का, तो वो भी पे करना है सर 3000। तो अब ए को टोटल कितना पे करना है सर 10500, बी को 9500 एंड सी को 1000। टोटल पेमेंट टू ए रुपीज 10500, टू बी 9500 एंड टू सी 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है इनसे सर, बिल्कुल करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो चार्ज करेंगे। तो सर हमें चेक करना पड़ेगा कि ड्रॉइंग का अमाउंट था कितना, सर ड्रॉइंग तो हमारे पास थी ना, ये रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही दे रखा था 350, 250 और 150। आइएगा तो सर अभी यहां आपको समझ आ गया कि जी ये अमाउंट यहां तक तो समझ आ गया। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करते सर, माइनस कर दीजिए 350, 250, 150। माइनस करने के बाद नेट पेबल कितना आया सर, ये आ गया 10,150 रुपीस पे करना है ए को, 9,250 रुपीस पे करना है बी को एंड 1,350 रुपीस पे करना है इसको सी को। तो ये नेट पेबल अमाउंट आ गई हमें समझ सर, बिल्कुल समझ आ गई, नेट पेमेंट है तो ये होगी सर क्या क्रेडिट। टोटल पेमेंट हो गई दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल पेमेंट हो गई सर, टोटल पेमेंट 20,750 रुपीस करनी पड़ेगी। तो ये खर्चा हो गया, फर्म का एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, और ये पार्ट का सबके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो सर 20,750 डिवाइडेड बाय देयर रेशो दैट इज 3:1:1। अब इसे क्या करेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे 3/1। ओके दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 2,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट एंड इन दोनों का डिफरेंस। समझ आई बात क्या सर, आगे समझ। तो सर ए डेबिट हो जाएगा 2,300 से, सी डेबिट हो जाएगा 2,800 से एंड बी क्रेडिट हो जाएगा सर 5,100। तो एंट्री बन गई सर, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बोलिए जी अगर कुछ पूछना है तो बताइए, आ जाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर हमें लगेगा सर कुछ करने वाला है, नहीं है, है बिल्कुल है, एक छोटा सा पॉइंट है करने वाला मैं कराता हूं, आइएगा, बाकी सारी बात सेम है सर। तीन पार्टनर है हमारे सामने, प्रवीण साहिल एंड रिया, PSR थ्री पार्टनर, their fixed capital that is a fixed capital 2,160,000 and 120, they share profit in ratio 3:1:1, the partnership deed provide for the following which are not recorded in the books, partnership deed ke according ye sab kuch karna tha lekin humne books mein record nahi kiya, kya kya karna tha sir, interest on capital pay karna tha hame kitna sir 5%। फिर सर हमें सैलरी देनी थी प्रवीण को कितनी सर 1500 पर मंथ, और रिया को कितनी सर 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व, प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था सर कितना 10,000 रुपीस, ये भी नहीं किया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2015 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाज रुपीस 1,00,000 का प्रॉफिट था जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे सर 5% ऑफ 2,00,000, 5% ऑफ 160 एंड 5% ऑफ 120, 10,000, 8,000, 6,000, सैलरी 1,500 पर मंथ एंड 1,000 पर मंथ। आइएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, क्या करेंगे जी क्रेडिट करेंगे सर, पेमेंट ऑफ क्रेडिट करेंगे सर 10,000, 8,000 एंड 6,000। ठीक है सर बिल्कुल सर, उसके बाद सैलरी पे करने की सर प्रवीण की थी सर 1500 पर मंथ,
एनुअल कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 12 सर 18000 पे कर देंगे, क्या करेंगे सर क्रेडिट करेंगे। रिया जी सर 12000, 1000 पर मंथ था ना तो 12000 के साल की हो गई, क्रेडिट करेंगे। तो सर टोटल पेमेंट कितनी करनी है सर इस पर, 28000 टू प्रवीण, 8000 टू साहिल एंड 18000 टू रिया, टोटल पेमेंट ये करनी है। ओके सर टोटल पेमेंट ये करना, मुझे लॉस हो गया कितने रुपए का, या मैं कह रहा हूं एक्सपेंस हो गया कितने रुपए का सर 54000 का। दिस 54000 क्या होगा, क्या करेंगे 54000 का सर, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने रेशियो में, दैट इज 3:1:1। 54000 को डिवाइड कर दिया सर 3:1:1। ओके तो पेमेंट करने के लिए तो अगर क्रेडिट, अब पार्टनर्स लोन को डिवाइड करेंगे तो करेंगे डेबिट, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं सर, दिस इज 4400 डेबिट सर, दिस इज 2800 डेबिट सर, दिस इज 7200 क्रेडिट। यहां तक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ये आपको कह दे कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो इतना काम करने के बाद तो ये काम हो चुका है, हम 10,000 रुपए जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करेंगे। सर अगर मैं 10,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं तो फॉर्म में वो भी एक्सपेंस हो गया, 10,000 रुपए रिजर्व में डालूंगा तो फॉर्म में एक किस्म से तो प्रॉफिट कम ही हो गया ना, प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं ये कह रहा हूं सर ये भी एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया, सर बिल्कुल हो गया। और ये भी कौन ला करके देगा, ये पैसा भी पार्टनर समय ला करके देंगे, तो उसे भी क्या किया जाएगा सर, सर 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 क्या कहेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। 10,000 रुपए तीनों पार्टनर लेकर आएंगे सर 3:1:1 में, सर 3:1:1 में ये 10,000 रुपए डिवाइड करेंगे 6,000, 2,000, 2,000, टोटल 10,400, 4,800 और इसका डिफरेंस आ गया सर कितना 5,200 नेट डिफरेंस आ गया। जी सर ये 10,000 के यहाँ क्रेडिट किस चीज के किए सर, ये किए हैं किस चीज के, जनरल रिजर्व के, किस चीज की जनरल रिजर्व के, क्योंकि 10,000 पे अगर पार्टनर्स ला के देंगे तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी तो करने पड़ेंगे ना, रिजर्व पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा करते हैं, तो फॉर्म में पड़ा रहता है तो फॉर्म में उसको रखने के रिजर्व क्रिएट तो करना पड़ेगा, तो 10,000 रुपए हम जनरल रिजर्व में क्रेडिट भी करते हैं। तो नेट अमाउंट क्या आ गया सर, ये 10,400 रुपीज ला करके देगा, 4,800 ला करके देगा, 5,200 इसको मिलेंगे और 10,000 रुपीज किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे सर, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। आइए एंट्री देखते हैं क्या होगी इसकी, पार्टनर सी डेबिट, सेकंड पार्टनर डेबिट और ये दोनों क्रेडिट। तो आइएगा प्रवीण, फर्स्ट पार्टनर था प्रवीण, कैपिटल कैपिटल करंट अकाउंट क्योंकि फिक्स कैपिटल था तो प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट 10,400। साइंस कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट सर 4,800। टू थर्ड पार्टनर कौन था, रिया, टू रिया करंट अकाउंट सर 5,400 एंड 10,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देन टू जनरल रिजर्व 10,000। ठीक है तो डाउट है, ये एंट्री बन जाएगी और आप जनरल रिजर्व को अलग से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना सीख लिया। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ के देखते हैं, कुछ करने वाला हुआ तो कर लेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। आइएगा रोहित रमन सॉरी तीन पार्टनर हमारे पास, रोहित रमन है ना, तीन पार्टनर है
कैपिटल उनकी है कितनी सर, 2,120,000 एंड 160 रिस्पेक्टिवली। ईच पार्टनर विथड्रॉ रुपीज 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। हर एक पार्टनर ने 15,000 रुपीज विथड्रॉ किए एज पर द प्रोविजन, एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अराउंड एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन रेवेन्यू चार्ज एट 4% पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट वी शेयर इन द रेशियो 5:4:1। द नेट प्रॉफिट ऑफ दिस 72,000 for the year ending 31st of March 2020 was divided equally। कैसे डिवाइड कर दिया, इक्वल रेशियो क्या था सर, 5:4:1। प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया, यहां प्रॉब्लम आ गई सर। एक और पहले क्या था, हम प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे थे जो उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था उसी में, और इस क्वेश्चन में एक और नई प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई सर वो प्रॉब्लम, तो ये आ गई कि सर उन्होंने प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। रेशियो का 5:4:1 जबकि डिवाइड कर दिया कैसे सर, सर डिवाइड कर दिया कैसे इक्वल। आइए गाइस नई प्रॉब्लम को डील करते हैं साथ साथ। इक्वल डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द आइटम ऑफ द डी, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द आइटम्स ऑफ द डी, डीड की आइटम यानी कि ये सब कुछ भी पे नहीं किया और प्रॉफिट को भी गलत डिवाइड कर दिया, सारा ही काम गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट को इस तरह से गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया हो तो हम वो प्रॉफिट जो ने दिया था वापस मंगवा लेंगे, क्योंकि मैं गलत रेशियो दिया था, प्रॉफिट वापस ला करके दो, तुम्हें जो प्रॉफिट दिया वो गलत था वो हमें वापस ला करके दो, वापस मंगा लेंगे। ऐसा कब करेंगे सर, तब करेंगे जब हमने प्रॉफिट को गलत रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया हो, तब ऐसा किया। आइए क्वेश्चन पे, बाकी सब कुछ तो आप कर ही लेंगे। प्रॉफिट कितना था सर, 30,000 रुपीज था सर, 72,000 रुपीज था। आइए अधिक कैलकुलेशंस को आप कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा, इंटरेस्ट ऑन रोइंग कैसे आएगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको जरूरत लगे, अगर आपको लगे कि सर बताना है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा कि कैलकुलेशन कैसे हुई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है सर, क्रेडिट कर दिया, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट ऑन रोइंग से रिसीवेबल होता है तो डेबिट करेंगे, यहां तक भी ठीक है सर। अब हमें नेट प्रॉफिट 72,000 रुपीज दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था सर, 72,000 सर, उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन रोइंग कितना पे कर दिया सर, 24,000। तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना होना चाहिए था सर, आपके पास जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए था सर 48,000 रुपीस का, कितना होना चाहिए था सर 48,000 रुपीस का, समझ आई बात। अगर मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो मैं यहां लिखता सर बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखता ही लिखता, बिल्कुल लिखता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी थी, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी, 900 रुपए की, 900 रुपीज की। तो हम यहां लिखते सर 900 रुपीज, कितना लिखते सर 900 रुपीज, एंड यहां लिखते हम सर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कितना आया है 24,000। ऐसा करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं, इसमें से माइनस कर दूं तो कितना प्रॉफिट बच जाएगा सर, 48,900 रुपीज, और दिस 48,900 रुपीज डिवाइडेड बाय द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
4:5:4:1। याद बात समझ आई क्या सर? अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रश्न बनाता तो बिल्कुल सेम ऐसे बनता, और ये 48,900 + 5:4:1 इसमें डिवाइड हो जाता, और ये डिवाइड करने के बाद कितना अमाउंट आता सर? सर ये अमाउंट आता हमारे पास 48,900 रुपीस को हम डिवाइड करते 5:4:1 में, तो हमारे पास सर ये अमाउंट आता। समझ आई बात? जी सर बिल्कुल समझ आई। अब देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है सर, ठीक है क्रेडिट हो गया। सर मैंने ड्रॉइंग का अमाउंट चार्ज करना है सर, डेबिट हो गया। और मैंने प्रॉफिट जो कि इस तरह से डिवाइड होना चाहिए था कर दिया, जी सर बिल्कुल कर दिया। तो अभी प्रॉफिट भी देना है, क्रेडिट हो गया। तो नेट में ये प्लस करके इसके माइनस कर दीजिए, नेट ये पे करना है, दिस प्लस दिस माइनस दिस ये पे करना है, इसका इसका प्लस और ये माइनस सर ये पे करना है। अब नेट अमाउंट हमें ये पे करना है, ठीक है सर? ठीक है। गलती क्या हुई थी सर? हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमने 72,000 रुपीस का प्रॉफिट उन्हें इक्वल डिवाइड कर दिया था। अब क्या कहेंगे सर? वो प्रॉफिट गलत था, आप उन्हें वापस ला कर दो। वो प्रॉफिट वापस लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर? डेबिट करना पड़ेगा। 72,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वल रेशियो, तो वो वापस मंगवाएंगे सर। कितना सर? 24, 24, 24, ठीक है। तो अब इसका और इसका डिफरेंस निकालिएगा, दिस अमाउंट, इसका डिफरेंस कैलकुलेट किया सर दिस इज, एंड इसका डिफरेंस कैलकुलेट किया सर दिस। एंट्री क्या हो जाएगी सर? ये डेबिट हो जाएगा और ये दोनों पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। देखिए एंट्री क्या बनी हमारे सामने, रेनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,400, 10 रुपीज टू रोहित एंड टू रमन कैपिटल अकाउंट, ये हमने क्या किया सर? हमने ये किया कि अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया तो वो प्रॉफिट वापस मंगा लेंगे, और सही वाला प्रॉफिट हम उनके सामने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस तरह से सर? हमने जैसे एप्रोप्रिएशन बनाया था सर, बिल्कुल उसी तरह से हम इसका प्रॉफिट निकाल के यहां डिवाइड कर। आपको एप्रोप्रिएशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्या